हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक मिंत्रा कुर्ती सेट हॉल। मुझे पता है मैंने पहले भी बनाया था, बट वो किड सेक्शन से था एंड ये सारे थोड़े मैंने अडल्ट सेक्शन से मंगाए हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कुर्तियां कैसे आने वाली है, और पता है यार मुझे ना समझ भी नहीं आता ऑनलाइन शॉपिंग में कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। बिकॉज बहुत सर्टेन चीजें होती है जो मेरे ऊपर अच्छी लगती है, जैसे मतलब दीदी है वो कुछ भी पहनेगी उनके ऊपर अच्छा लगेगा, बट आई एम अ पर्सन कि मेरे ऊपर बहुत सर्टेन चीजें खिलती है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी और मैंने बहुत मेहनत से मंगाई है कुर्तियां, अब मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कैसी आएंगी और मेरे ऊपर कैसे लगने वाली है स्पेशली, क्योंकि जो मॉडल थी ऑब्वियसली उनके ऊपर अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने मंगाई है। बट यू नो मेरा बॉडी टाइप डिफरेंट है, मेरा फेस टाइप डिफरेंट है, तो अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी मुझ पर अच्छी लगे या ना लगे, बट वट एवर इट इज इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको जो भी होगा दिखा दूंगी वीडियो में। आज की वीडियो में कोई भी नहीं है बिकॉज ये वीडियो मैं सुबह सुबह 7 बजे शूट कर रही हूँ एंड सबके सब अंदर सोए हुए हैं, तो वो वाली चीज है। मैं जल्दी उठ रही थी तो मैंने सोचा वाई नॉट शूट अ वीडियो। एवरेज है, मतलब आई थिंक नॉट फॉर मी, बट लाइक मेरे ऊपर ऐसे प्रिंट्स पर्सनली थोड़े बड़े लगते हैं, बट आई थिंक बाकी तो इट्स नाइस। और पता है ये सूट इतना लंबा है ना कि ये यू नो थोड़ा सा 5-5 लड़कियां या जो 5-6 हो या 5-7 हो 5-8 हो उनके ऊपर जाएगा। अब जो है ही 5'1" की वो इसमें ढक नहीं जाएगी, मुझे बताओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें कहीं ढक ना जाऊँ पूरी की पूरी। अच्छा सूट है बहुत, ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस कुर्ती। इसके यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेंजा कहते हैं, मैश लगा हुआ है, मैश यहाँ पे मैश लगा हुआ है। एंड ये बेज कलर में है, अगर आप मतलब पास से तो बेज ही है, वीडियो में पता नहीं कैसे दिख रहा है। आई गॉट दिस इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। इसके साथ क्या है वो देख लेते हैं। इसके नीचे है ये पैंट्स। मैं पता नहीं क्यों पैंट्स वाली कुर्ती सेट ज्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन सलवार और लेगिंग्स, बिकॉज मुझे ये ज्यादा कम्फर्टेबल लगती है। में है ये वाला दुपट्टा, ये है साथ में, यहाँ पे भी मैच का काम है। इसलिए बताऊँ, देखो ये मुझे काफी एवरेज लगा, इट वाज नॉट समथिंग की यू नो वेरी नाइस, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फटाफट से भाग के गांव जाना होता है, आपको फटाफट से कुछ काम होता है, सो यू कैन वेयर इट इन दैट, इट्स वेरी बेसिक। बट अगर ये किसी ऐसे फेस्टिवल के लिए देखा जाए कि यू नो कुछ स्पेसिफिक है उस दिन पहना जाए, सो इट्स नॉट आप्ट फॉर दैट। यू कैन वेयर दिस एट अ पूजा, अगर पूजा है किसी के घर में आपके घर में तब आप इसको पहन सकते हो, यू नो ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हो, अगर ऑफिस में कुछ छोटा सा इवेंट है देन ऑल्सो यू कैन वेयर दिस, बट फर्स्ट फॉर डेली यूज आई डोंट थिंक इट्स एप्ट, एंड सेकंड फॉर वेरी मैसिव फंक्शंस आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर दैट ईदर। तो अगर आप इसको यू नो किसी छोटे मोटे फंक्शन में पहनते हो आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर दैट। यार इसका दुपट्टा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं है, दिस इज प्लेन दिस पर्पल कुर्ती, आई डोंट नो इस कलर को क्या कहते हैं। एंड यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रैपलेस है, ठीक है, एंड नीचे तक ऐसे है। पैंट्स आई हैं, नहीं प्लाजोज है, वाओ मुझे प्लाजो भी बहुत अच्छा लगता है। विद कुर्ती आई कैन ओनली वेयर अ पैंट्स और अ प्लाजो, आई कैन नॉट पेयर यू नो मैं स्कर्ट भी पहन सकती हूँ बट आई कैन नॉट पेयर अ सलवार और लेगिंग्स, मतलब पहनने को पहन सकती हूँ बट मुझे प्रेफर ज्यादा मैं यही तीन चीजें करती हूँ। आई थिंक इट विल लुक गुड, साथ मेरी ना थोड़ी सी जवान क्यों लड़खड़ा रही है बिकॉज मैं सो की उठू अभी। दिस प्रिटी प्रिटी दुपट्टा एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू लुक वेरी प्रिटी। अभी मैं आपको यहाँ पे ना पहन के दिखाऊंगी सब कुछ, यहाँ पे लड़की चल रही होगी वो आपको सब कुछ पहन के दिखाएगी, सो यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम दैट कि कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर। अगर आप मेरे बॉडी टाइप के हो तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ गो फॉर द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, बिकॉज स्मॉल मुझे जनरली ऑलमोस्ट सभी कपड़ों में बहुत लूज आता है। ये ठीक लग रही है, मैं थोड़ा सा कम हूँ इस तरह की कुर्तियों में, बट आई एम मोर इनटू दीज कॉटन यू नो पिंटरेस्टी कुर्ती, सो आई रियली लव देम। मींस बेसिकली लाइक एन अनारकली कुर्ती, वो फ्लेयर वाली होती है ना, एंड इट्स वेरी लॉन्ग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फैब्रिक इज क्वाइट गुड, इट्स कॉटन, कैसा है यू नो दिस वेरी एस्थेटिक कॉटन प्रिंट, आई रियली लव दीज प्रिंट्स। जो है ऑब्वियसली ये पैंट्स, मैं कैसे दिखाती हूँ वैसे सर के ऊपर रख के, नीचे है ये पैंट्स एंड साथ में वी हैव दिस वेरी प्रिटी बेसिक सा दुपट्टा जिसका वो क्या कहते हैं वो ये है बॉर्डर, एंड ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। आई थिंक ये पूरा कुर्ता बहुत अच्छा लगने वाला है, मुझे नहीं लग रहा ये मैं पहनूंगी और मुझे अच्छा लगेगा ये खुद पे, बिकॉज इसका यार इसका ना नेक पे जो बॉर्डर है वो बहुत लंबा है, ये दिस थिंग क्या कहते हैं इसको, ये बहुत बड़ा है इस पे। ये चीज मुझे इसका कलर, ऑनेस्टली मुझे इसका कलर ऐसे लगता है बहुत बड़ा बड़ा है ना, मतलब बड़ा बड़ा जैसे इसके प्रिंट्स भी बहुत बड़े बड़े, मुझे छोटे डेलिकेट डिसेंट प्रिंट्स पसंद है। के नीचे है ये लेगिंग्स, मेश का ही काम है, दुपट्टा है आपका दिस थिंग। ऑनेस्टली ये उतना अच्छा नहीं लगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि यू नो व्हाट यू शुड बाय एंड व्हाट यू शुड नॉट बाय। ये कुर्ती ऑनेस्टली अच्छी लगी, दिस इज बेसिकली दिस कट स्लीव्स कुर्ती, ठीक है, टिल हियर। मुझे अपने ऊपर इस तरह की कुर्तियां एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है, कूल प्रिंट्स हो गए, कूल पैटर्न्स हो गए, कूल कलर्स जो होते हैं एंड छोटे प्रिंट्स होते हैं। और नीचे ये पैंट्स है, दुपट्टा
So I think it's going to look very pretty. I'm really happy about some kurtis. So, हाँ चलो अच्छी है. Really disappointed by some. वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. I also ordered this chikankari kurti. इसके सब कोई दुपट्टा नहीं आया. नीचे ये pants है. कुछ नहीं है कि see through वगैरह है. तो see through का कोई भी problem नहीं है. So, मुझे इस तरह की कुर्तियां भी अपने ऊपर बहुत अच्छी लगती है. दिस इज बेसिकली अ कट स्लीव्स कुर्ती जो इन वेरी प्रिटी पिंक कलर. नीचे है ये पैंट्स, ऑब्वियसली प्रिटी दुपट्टा इसके साथ में, एंड आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. सब में से रेट करूं ऑनेस्टली तो आई विल श्योरली गिव दिस अ 5.5. दिस डिजर्व्स. नंबर वन बहुत प्रिटी लग रहा है मेरे ऊपर. सेकंड मैं इसको पहनूंगी. थर्ड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. ये मैं इसको भी 5.5 दूंगी. इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, साथ साथ ही मुझ पर लग भी बहुत अच्छा रहा है. तो मैं 3.5 दूंगी बिकॉज मेरे ऊपर ही मुझे एवरेज लगा, उतना कुछ खास नहीं लगा. तो ऑनेस्टली मैं 1 दूंगी, मुझे उतना पसंद नहीं आया. ये पर्पल कुर्ती थी, आई थिंक दिस डिजर्व्स अ 3.1. ये भी मुझे काफी अच्छी लगी, बट दिस आई थिंक डज नॉट डिजर्व अ 5, और मे बी इट डज. वील गिव दिस अ 5, कोई बात नहीं. जो कुर्ती थी जो मैंने फर्स्ट नंबर पे दिखाई, आई थिंक दिस डिजर्व्स अ डिसेंट 4 बिकॉज ऐसे कोई इसमें कमी नहीं थी, एंड दिस वाज यू नो प्रिटी एवरेज. तो मैं इसको 4 दूंगी. मैं बताती हूँ कि वट यू कैन बाय इफ यू आर लाइक मी. यू नो यू डू नॉट प्रेफर मच चमक धमक, यू प्रेफर कि थोड़े से कूल डिसेंट कपड़े हों विद कूल कलर्स एंड यू नो विद वेरी डिसेंट प्रिंट, ऐसा थोड़ा कॉटन टाइप. यू वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल, तो गो फॉर दिस एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस. इट्स वेरी कम्फर्टेबल. अगर आपको थोड़ा सा यू नो ये प्रिंटेड कुर्तियों से बाहर जाना है, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. इन वाली कुर्ती है मुझे ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और मुझे पता है मेरी फैमिली में से भी इसको कोई नहीं पहनेगा. तो मंदिर में भी पहन सकते. दिस इज यू नो लाइक फुल स्लीव. दैट्स इट फॉर द हॉल. मैंने ये कुछ 7-8 कपड़े मंगाए थे. दैट्स ऑल आई कुड शो. मुझे इतना ही ज्ञान है गाइस कपड़ों के बारे में. मैं उतना यू नो आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड इन मेकिंग हॉल्स एज ऑफ नाउ. श्योर विद टाइम आई एम गोइंग टू लर्न, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव. मुझे आएगा हॉल बनाना भी एक दिन, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अभी आई थिंक आई एम डूइंग अ प्रिटी डिसेंट जॉब. देखो अगर मैं इनमें से अपना फेवरेट बताऊं तो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगे, एंड इनमें से भी अगर मैं फेवरेट बताऊं तो मुझे पिंक बहुत अच्छा लगा. वो बताओ कि मुझे सबसे गंदा कौन सा लगा. दिस वन हैज टू बी द वर्स्ट आउटफिट ऑफ द डे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.